हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टैली गाइड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल और परचेज बिल कैसे आप टैली में एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और फंक्शन बार में जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सेल, परचेज एंड रिसिप्ट पेमेंट जो भी है आपको, अभी परचेज में आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। परचेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे और डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद नेक्स्ट आप पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी पार्टी से जिससे परचेज़ कर रहे हैं। सपोज यहाँ राहुल पेपर से परचेज़ कर रहे हैं तो ये डालेंगे। यहाँ पे उसकी डिटेल्स चेक करेंगे, जीएसटी नंबर वगैरह डाला हुआ नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा परचेज़ लेज़र। परचेज़ लेज़र में दोस्तों ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको जीएसटी रेट वाइज डिटेल्स आपको चाहिए होंगी फ्यूचर में, अगर आपको ये अलग से शो करानी है इसको, तो आप इसके यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। 12% सेंट्रल सपोज, लोकल 18%, जो भी आपको करना। तो अभी मैं 12% सेंट्रल ले लेता हूँ। नेक्स्ट आते हैं आइटम पे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे। सपोज ब्राउन पेपर हम ले रहे हैं और उससे 4 रोल ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के नेक्स्ट आएंगे। क्वांटिटी डालेंगे आप, जो आपको क्वांटिटी परचेज करने की है उसका रेट डालेंगे और एंटर करेंगे। नेक्स्ट आएंगे नंबर ऑफ पैकेट, कितने पैकेट हैं, नंबर ऑफ पैकेट हैं, पैकेट रोल 4 रोल्स हैं तो 4 डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं जीएसटी पे, कितना है, क्या इनपुट है। जीएसटी इनपुट मिलेगा क्योंकि सेंट्रल पार्टी है, इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं तो इनपुट आई जीएसटी आएगा, तो एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ये आपका परचेज वाउचर सेव हो चुका है। अगर आपको चेक करना है कि ये परचेज वाउचर सेव हो चुका है या आपको डिस्प्ले जाके देखना है कि ये परचेज वाउचर कहाँ पे सेव हुआ है, तो आप डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक पे जाएंगे और परचेज रजिस्टर पे जाएंगे। जैसे आप परचेज रजिस्टर पे एंटर करेंगे तो आपको ये पूरे साल की परचेजेज दिखाई देगी। सितंबर हमने ये 2 परचेजेज डाली हैं, तो यहाँ से 2 परचेजेज आप देख सकते हैं। ये वाली हमने परचेज अभी अभी डाली है, जो ये पहले डाली है ये अभी डाली है, नंबर 2 नंबर बिल जो परचेज डाली है ये अब डाली है, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे परचेज एंट्री हो चुकी है। आप एक तो ये तरीका है परचेज देखने का, एक दूसरा तरीका है आप डायरेक्ट पार्टी के लेजर में जाके आप ये देख सकते हैं कि उसकी जो परचेज आई है वो एंट्री हुई है। डिस्प्ले में जाएंगे, उसके लिए अकाउंट बुक पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे। राहुल पेपर से हमने परचेज़ की है, ये जो 2 परचेज जो हमने की है उस पर उसका लेजर पे जाएंगे और एंटर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको 2 परचेज मिल जाएगी, ये पहले मैंने एंट्री की है, 2 नंबर अभी अभी हमने जो एंट्री किया है। तो नेक्स्ट आते हैं हम सेल बिल कैसे क्रिएट करेंगे। सेल बिल के लिए भी सेम करेंगे, हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और डायरेक्टली F8 भी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट, और या फिर फंक्शन बार में जाके डायरेक्ट आप सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सेल पे क्लिक कर देते हैं, ये सेल बिल क्रिएशन की स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे आप, रेफरेंस नंबर, सॉरी बिल नंबर तो ऑटोमेटिकली आपका टैली में ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं बाद में आप बताऊँगा कैसे आप ऑटोमेटिक और मैनुअल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका PU नंबर है, सपोज़ आपका PU नंबर 58 है तो 58 डालेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कीजिए, किस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिटेल डालिए, आपकी डिस्पैच डिटेल जो भी है, डिलीवरी नोट है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, डिस्पैच किसके थ्रू डिस्पैच आप कर रहे हैं यहाँ पे डाल देते हैं सब। डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर, सपोज आपका 4 नंबर बिल है तो 4 डालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हैं आप, टेम्पो से कर रहे हैं, कुरियर से कर रहे हैं, वो डालेंगे यहाँ पे। टेम्पो से अभी डाल दे रहे हैं, डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है माल, या नीचे देखेंगे दिल्ली को हम भेज रहे हैं तो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं LR नंबर, यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपके LR नंबर है गाड़ी के साथ हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हीकल नंबर, मोटर व्हीकल नंबर क्या है आपका, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सपोज यहाँ पे DL1L समथिंग मैं करके आपको डाल देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर डालेंगे, परचेज ऑर्डर नंबर आपको जो पार्टी से मिला है उसकी डेट डालेंगे। नेक्स्ट आएंगे मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी होगा या चेक ऑन डिलीवरी होगा या एडवांस है, वो यहाँ पे डाल देंगे। अभी हम कैश ऑन डिलीवरी डाल देते हैं। नेक्स्ट एंटर करेंगे, नीचे आप एड्रेस वगैरह GST नंबर वगैरह चेक कर लेंगे एक बार दोबारा और इसको एंटर करके नेक्स्ट जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे नीचे सेल्स लेजर आपको मांगेगा। ये सेल्स लेजर जैसे हमने यानी परचेज लेजर के
में हमने क्रिएट किए थे अलग अलग। अगर आपको जीएसटी वाइज अगर सेल देखनी है लोकल कितनी है, 18% कितनी है, 12% कितनी है, या ऐसे अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप लेजर डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से लेजर क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। मैं आपको यहाँ से लेजर क्रिएट करते ही बता देता हूँ वाउचर के अंदर से। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे तो आपको लेजर क्रिएशन की स्क्रीन आ जाएगी। अभी हम बना देते हैं यहाँ पे सेल जीएसटी 12% सेंट्रल के नाम से एक आपको लेजर बना देते हैं। ये अंडर किस ग्रुप आएगा, सेल ग्रुप के अंदर आएगा। नीचे कुछ भी चेंजेस ही नहीं करने क्योंकि हमने रेट आइटम वाइज रेट्स लेने हैं। और नीचे टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। रेट अभी यहाँ चेंज ही करेंगे जीएसटी के। ये देखिए अब तीन लेजर क्रिएट हुए हैं, दो मैंने ऑलरेडी किए हुए थे, ये तीन हुए हैं। तो अभी हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, जीएसटी लोकल 18% करना है क्योंकि हम लोकल हम इसको सेल कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उस पर 18% जीएसटी। ये देखिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये अपनी पार्टी लोकल है या कहाँ की है। तो दिल्ली में हमारी कंपनी है, दिल्ली में ही हम भेज रहे हैं तो यहाँ पर लोकल लेंगे। नेक्स्ट हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। सपोज बिग नोटबुक हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ बिग नोटबुक सेलेक्ट करेंगे। अभी ये स्टॉक नेगेटिव है क्योंकि अभी मैंने ओपनिंग नहीं डाले, तो ये अभी मैं समझाने के लिए आपको यहाँ से बिग नोटबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आप में क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे आइटम का और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे नंबर ऑफ पैकेज डालेंगे, कितने पीसेज डाल भेज रहे हैं। यहाँ पे 500 डाल देते हैं या बॉक्सेज, अगर आप बॉक्सेज में भेज रहे हैं तो बॉक्सेज नंबर डाल देंगे। एक और आइटम ले लेते हैं स्मॉल नोटबुक 300 पीसेस, रेट 15 रुपये ले लेते हैं इसका। एंटर करते हैं नंबर ऑफ पैकेज, अभी पैकेज नहीं डाला तो पीसीज ही डाल देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट जो जीएसटी कौन सा लगेगा, लोकल है तो सीजीएसटी या एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लेना, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि हमने आइटम में ऑलरेडी सेट किया हुआ है। नीचे अगर आपको नरेशन कुछ भी देनी है तो यहाँ पे आप नरेशन भी दे सकते हैं, जो भी आपको नरेशन, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ेंगे तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर देना चाहें बिल में यहाँ पे फ्यूचर कुछ रेफरेंस के लिए तो यहाँ पे आप नरेशन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, एंटर करेंगे, उसको यस करके सेव कर देंगे। ये आपका सेल वाउचर आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसको भी देखने के लिए वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक पे जाएंगे एंड सेल रजिस्टर पे जाएंगे। ये देखिए ये पूरे साल की आपकी सेल दिखाई देगी। सितंबर हमने क्रिएट किया है, 13 सितंबर 2020 को हमने एक सेल बिल हमने क्रिएट किया है। ये देखिए ये आपका सेल बिल सेव हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इसको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो प्रिंट पे जाएंगे या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल पी डायरेक्ट आप कमांड भी दे सकते हैं शॉर्टकट से। ये देखिए अगर आपको जूम करके देखना है कि बिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एड्रेस वगैरह चेक कर लीजिए यहाँ से जूम करके, उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट भी दे सकते हैं। एस्केप जाएंगे, जूम को एग्जिट करने के लिए आप एस्केप का यूज़ करेंगे। ये देखिए इसमें और भी ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं या कंट्रोल पी भी कर सकते हैं। पेज डाउन पेज अप, अगर दो पेज हैं बिल में दो, इसको पेज डाउन अप करके आप देख सकते हैं और एस्केप करके आप जूम से बाहर आ सकते हैं। ये जूम है, ये आपका, ये डायरेक्ट आप प्रिंट भी दे सकते हैं यहाँ से। अगर आपको सपोज़ आपको किसी को ईमेल करना है बिल एक्सपोर्ट करके, आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑल्ट ई पे जाएंगे, डायरेक्ट प्रेस ऑल्ट ई भी कर सकते हैं, ऊपर से आप क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इसके फॉर्मेट बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप PDF, JPEG, JPEG किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये देखिए मैंने PDF में आपको एक्सपोर्ट करके दिखाया है, ऐसे PDF में एक्सपोर्ट करके ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप इसकी, और डायरेक्टली आप इसको अपने बायर को ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर, हम सेल और परचेज बिल वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये जो हमने लेजर हमने क्रिएट किए, मैं बता देता हूँ, जो हमने सेल और परचेज के लेजर हमने क्रिएट किए थे अलग अलग, अगर आपको अलग अलग जीएसटी वाइज सेल और परचेज देखनी है, ये इसलिए किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, सेल अकाउंट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग आपका जीएसटी वाइज सेल जो है वो आपको दिखाई देगी। सेल जीएसटी लोकर 18% आपने एक ये बिल डाले हैं, इतनी सेल आई है, सेल हुई है, सेल जीएसटी सेंट्रल में इतनी 18% में इतनी सेल हुई है, ऐसे ही परचेज में
परचेज जीएसटी सेंट्रल 12% इतनी है, अगर आप और दो तीन लेज़र लोकल के बनाएंगे या 18% के बनाएंगे तो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसलिए मैंने ये अलग अलग लेज़र आपके बनवाए हैं ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों ये था मेरा चैप्टर, यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि सेल और परचेज बिल कैसे क्रिएट करेंगे, वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे और उसको प्रिंट या एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर बहुत ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।